अभी हमारा जबरदस्त सा शॉर्मा सैंडविच बनकर रेडी हो गया है। देखिए हमारा जबरदस्त किस्म का शॉर्मा सैंडविच रेडी है। बहुत ही यूनिक रेसिपी है और इतना इजी है ना, आपने इसको जरूर ट्राई करना है। बहुत ही मजेदार ये बनकर तैयार होता है। Assalamualaikum, my lovely family, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत के साथ हैं और आज हम दोनों आप लोगों के साथ शेयर कर लेंगे एक बहुत ही मजेदार किस्म की रेसिपी। ऐसी रेसिपी कि जिसको बनाना भी बहुत आसान और उसको खाना भी उतना ही आसान। तो जी ये है शॉर्मा सैंडविच और ये सैंडविच इतना मजेदार है कि आप एक दफा आजमाएंगे तो आपका दिल करेगा इसको रोज शाम को चाय पे बनाए। तो इसको देखने के लिए आप हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा। चलते हैं अपनी रेसिपी। अब हम डो रेडी करेंगे तो इसके यहाँ पर मैं देने लगी हूँ 2 कप मैदा और इस मैदे को मैंने अच्छी तरह से छान लिया है। 1 टीस्पून इसके अंदर हम इंस्टेंट ईस्ट ऐड करेंगे, 1 टीस्पून चीनी डालेंगे, 1/2 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून मैं ओरिगैनो ऐड कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद ना हो तो आप इसके बगैर भी बना सकते हैं। 2 टेबलस्पून इसके अंदर हम कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। अब हम इसको मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स हो गया और अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1/2 कप नीम गर्म पानी। आप चाहें तो आप इसको दूध से भी गूंद सकते हैं। दूध से डो बहुत सॉफ्ट बनती है लेकिन जो दूध ना डाला चाहे तो वो पानी से भी गूंद सकते हैं। इस सारे को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और इसको हमने बहुत ही अच्छे तरीके से नरम गूंद लेना है। तो इसके लिए मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी और ऐड कर रही हूँ। पानी हम उतना ऐड करेंगे जिसमें ये जो डो है बहुत ही आसानी से गूंदी जाए। डो को मैंने अच्छी तरह से गूंद लिया है। 1 टीस्पून के करीब कुकिंग ऑयल लगाना है और इसको ऑयल से ब्रश कर देना है और अब हम इसको कवर करके रख देंगे तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए, जब तक ये हमारी डो है राइज नहीं हो जाती। यहाँ पर डो को 2 घंटे हो चुके हैं और डो हमारी बेहतरीन राइज हो चुकी है और इसको हम 1 से 2 पंच लगाएंगे ताकि इसके अंदर जो एयर है वो खत्म हो जाए। सरफेस पे थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेंगे और ये देखें इसको मैंने 2-3 पंच लगाए हैं और इसका पेड़ा बना लिया है और अब हमने इसको रोल कर लेना है और इसकी कटिंग करके मैं यहाँ पर इसको 6 पीसेज में डिवाइड कर दूंगी, मतलब कि यहाँ पर मैं 6 पेड़े बनाने लगी हूँ इसके। तो यहाँ पर हमने 6 इसके पेड़े कर लिए हैं। अब यहाँ से हमने एक पेड़ा ले लेना है, सरफेस पे थोड़ा सा मैदा डस्ट करना है और इसको हमने बेलने से थोड़ा सा फ्लैट कर लेंगे लंबाई में। आप इसको कोई भी शेप दे सकते हैं, लंबाई में, गोलाई में। तो जी इस तरीके से मैंने इसको शेप दे दी है और इसकी मोटाई देखें, ये 1/2 इंच से थोड़ी सी कम इसकी थिकनेस है। और यहाँ पर मैंने एक ले ली है बेकिंग ट्रे और इसको मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है और इसके अंदर हम इसको रखकर सेट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इन सभी को शेप दे दी है। अब मैं इसके ऊपर कुछ वेजिटेबल्स लगाने लगी हूँ। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है टमाटर, 1 शिमला मिर्च रखी है, साथ ही यहाँ पर मैंने प्याज ले ली है जिनको मैंने इस तरीके से लंबाई में कट कर लिया है। इसी तरीके से मैं इन सभी के ऊपर ये सेट कर दूंगी और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी चीज ले ली है, हम इसके ऊपर डाल देंगे। बर्गर चीज ले ली है, ये ऐड कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है, आपके पास हो तो जरूर डालिएगा। इसी तरीके से मैं इन सभी पीसेस के ऊपर चीज ऐड कर दूंगी। मैंने यहाँ पर चेडर चीज यूज की है, आप मोजरेला, चेडर दोनों में से कोई भी चीज यूज कर सकते हैं। चीज इन सब के ऊपर लग चुकी है और अब लास्ट में मैं थोड़ी सी ओरिगैनो स्प्रिंकल कर रही हूँ, इससे इसका टेस्ट बहुत ही जबरदस्त आता है। आप इसको ओवन में भी बेक कर सकते हैं लेकिन मैं इसको पतीले में बेक करूंगी ताकि जिन बहनों के पास ओवन नहीं है वो इजीली इसको बना सकें घर में। और हल्की सी मैं इसके ऊपर रेड चिली फ्लेक्स, लाल कुटी मिर्चें स्प्रिंकल कर रही हूँ, बिल्कुल लाइट सी, इससे भी इसका टेस्ट और लुक दोनों ही बहुत जबरदस्त हो जाते हैं। यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज की कढ़ाई ले ली है, आप चाहें तो आप कोई भी देश का ले सकते हैं और इसको मैंने 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर प्रीहीट होने के लिए रखा था ताकि इसका टेम्परेचर अच्छे से गर्म हो जाए। और अब हमने फ्लेम को लो कर दी है और अब इसके अंदर एक अदद स्टैंड रख दी है, साथ ही इसके अंदर हमने ये बेकिंग ट्रे रख दी है और इसको हमने कवर कर देना है और तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसको बेक करेंगे। और अब हम इसके लिए सैलेड रेडी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 1/2 कप, 2 टेबलस्पून इसके अंदर हम हॉट सॉस ऐड करेंगे, 3 टेबलस्पून चिली गार्लिक केचप ऐड करेंगे,
अगर आपके पास गार्लिक केचप ना हो तो आप सिंपल टोमेटो केचप भी ऐड कर सकते हैं। एक टेबल स्पून नींबू का रस ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे और एक दो चुटकी इसके अंदर हम नमक ऐड करेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारी ज़बरदस्त किस्म की सॉस रेडी है और इसी सॉस के अंदर मैं ऐड करने लगी हूँ। यहाँ पर मैंने एक कप मैंने बॉयल किया हुआ चिकन ले लिया है, इसको मैंने नमक डालकर बॉयल कर लिया था और इसको श्रेड कर लिया है। ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। हाफ कप यहाँ पर मैंने बंद गोभी लिया है जिसे बारीक काट लिया है, ये ऐड करेंगे। हाफ कप खीरा लिया है, इसको भी छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। 2 से 3 टेबल स्पून के करीब यहाँ पर मैंने प्याज ले लिया है और उसको इस तरीके से छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है, ऐड कर देंगे। और अब इस सभी को हमने आपस में मिक्स कर लेना है। तो जी ये हमारी ज़बरदस्त किस्म की फिलिंग रेडी है। आप चाहें तो आप इसके अंदर अपनी पसंद के मुताबिक वेजिटेबल्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर 15 मिनट हो चुके हैं इनको लो मीडियम हीट पर बेक होते हुए और अब हम कवर हटाएंगे। तो माशाल्लाह ये देखें हमारी ज़बरदस्त किस्म के पीटा ब्रेड जो है वो रेडी हो चुकी है। आपने यहाँ पर ख़ास ख्याल रखना है कि जो हीट है वो नीचे लो टू मीडियम हो। अगर आपकी हीट ज़्यादा हुई पतीले के अंदर तो ये जो ब्रेड है ये नीचे से क्रिस्पी हो जाएगी। और यहाँ मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप जो है चीज़ इसके अंदर थोड़ी कम क्वान्टिटी में ऐड कीजिएगा। मैंने थोड़ी ज़्यादा क्वान्टिटी में ऐड किया तो इसलिए वो ज़्यादा बाहर निकल आई है। अब इसको मैं 5 से 10 मिनट के लिए कवर करके रखूँगी ताकि जो ये हमारी ब्रेड है इसका टेम्परेचर थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए और इसके अंदर से हार्ड ना हो। ब्रेड का टेम्परेचर थोड़ा सा नॉर्मल हुआ है तो अब हम इसको सेंटर से कट कर लेंगे। इस तरीके से कट करेंगे। लास्ट से हम इसको आपस में जुड़ा रहने देंगे और ये देखिए अंदर से इसका कुछ इस तरीके का टेक्सचर है। हम इसकी फिलिंग करेंगे जी। यहाँ पर मैंने सबसे पहले इसके मैं कॉर्नर्स पर लगा रही हूँ खीरे, इनको मैंने इस तरीके से कटिंग कर ली थी, इससे इनकी लुक बहुत प्यारी आती है। और अब हम इसके अंदर सैलेड रख देंगे। फिलिंग आप अपनी पसंद की कोई भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर इसके लगा रही हूँ हल्की सी बंद गोभी। आप लेटस भी ले सकते हैं लेकिन लेटस मेरे पास था नहीं। ये हमारा ज़बरदस्त सा शॉर्मा सैंडविच बनकर रेडी हो गया है। बहुत ही मज़ेदार यूनिक सी ये रेसिपी है। और बाकी सैंडविचेस को भी हम इसी तरीके से रेडी कर लेंगे। आप इन शॉर्मा सैंडविच को ओवन में भी बेक कर सकते हैं। 180 डिग्री पर आप इसको 10 से 15 मिनट के लिए बेक कर सकते हैं। आप इसको तवे पर भी बेक कर सकते हैं, जैसा कि मैंने तवा पिज्जा की रेसिपी में बताया था कि हम किस तरीके से पिज्जा को बेक करते हैं, सेम उसी तरीके से आप इनको भी बेक कर सकते हैं। आप इसको हाई टी पे सर्व करें या बच्चों को लंच बॉक्स में दें, ये बहुत ही मजे के लगते हैं। इसी के साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।